इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 56वां मुकाबला जो कि खेलाएगा कोलकाता और राजस्थान के बीच में, मैच मुकाबला खेलाएगा ईडन गार्डन के मैदान पे। 56वां मुकाबला है आईपीएल ख़त्म होने के कगार में और शुरू हो चुका है प्लेऑफ मैचेस खेलने के लिए, नॉकआउट मैचेस खेलने के लिए, नॉकआउट मुकाबले। राजस्थान और कोलकाता जो भी हारेगा उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी क्वालिफायर मैच क्वालिफाई करने की भी। इस मैच से रिलेटेड हम मैच विनर, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, प्लेयर स्टेट सबके बारे में बताएंगे, ईडन गार्डन के बारे में कुछ खास बताएंगे आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच के बारे में। पिच यहाँ पर बहुत ही तेज तरह बैटिंग पिच होने वाली है, जहाँ पर आपको स्कोर काफ़ी अच्छे देखने को मिले 180, 190, 170। अगर यहाँ पर एक दूसरा पिच है स्पिन वाला, वहाँ पर स्पिनर्स को टर्न मिलते हैं, यहाँ पर 180 तो बन जाते हैं, 170 बन जाते हैं, पर थोड़ा सा मुश्किल होता है बनने में। वही पर बात करेंगे, केकेआर ने यहाँ पर 10 मुकाबले खेले इस ग्राउंड में, लास्ट 10 मुकाबले 3 जीते, और राजस्थान ने जो 10 मुकाबले खेले उसमें सिर्फ 2 जीते, और उनका एवरेज स्कोर 144 का होता है सिर्फ, इसको ध्यान रखिएगा आप, 144 का एवरेज स्कोर रहता है। वही बैटिंग और बॉलिंग और की बात करें दोनों टीमों की, कोलकाता और राजस्थान का ओपनिंग पेयर बैटिंग में बात करें तो राजस्थान कई ज़्यादा बेटर है केकेआर के मुकाबले, मिडल ऑर्डर दोनों का ही एवरेज नज़र आता है, बैटिंग में डेप्थ भी दोनों की इक्वल है, पेस बॉलिंग राजस्थान रॉयल्स का स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अगर ट्रेंट बोल्ट के कल के मैच में खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स पेस अटैक के मामले में, अदरवाइज दोनों का ही वो कहीं ना कहीं 60-40 रहेगा, 40 केकेआर 60 राजस्थान रॉयल्स। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोनों ही इक्वल है, राजस्थान के 8 ओवर टोटल रविचंद्र अश्विन और युजवेंद्र चहल क्वालिटी स्पिन, और तीसरे दूसरे तरफ केकेआर के 12 ओवर वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस शर्मा और सुनील नायर, तो दोनों का इक्वल स्पिन अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेसर्स को यहाँ पर मिलते हैं 60% विकेट, स्पिनर्स को 40% विकेट, बट कल के मुकाबले में 80% या 70% विकेट स्पिनर्स को मिलने वाले हैं। यहाँ पर पेसर्स को यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग विनिंग परसेंटेज है 40%, सेकेंड इनिंग का 60% विनिंग परसेंटेज है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दो टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन कैसा करेगा। परफॉर्मेंस वाइज बात कर लेते हैं, राजस्थान रॉयल के प्लेइंग 11 जॉस बटलर, ये आपकी टीम में होनी चाहिए, फिनॉमल बैट्समैन, कल के मैच के लिए बहुत अच्छे हैं। कोलकाता के अंदर उनका रिकॉर्ड अच्छा है, ईडन गार्डन में अच्छा खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल एक मुकाबला खेला ईडन गार्डन में और रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, 3 के निजी स्कोर पे आउट हो गए थे, हालांकि कोलकाता के अंदर ठीक ठाक खेल लेते हैं। संजू सैमसन के स्कोर एवरेज खेलते हैं बहुत बढ़िया नहीं है, और इनका वो स्टार्टिंग में ही आईपीएल में अच्छा खेलते, फिर बीच में वो अब संजू सैमसन को ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हैं। लिटिल पार्टिकल का रिकॉर्ड अच्छा है, 22 के एवरेज से रन बनाते हैं कोलकाता के अगेंस्ट। ध्रुव जुड़ेल अच्छे हैं, कैमियो को रोल अदा कर सकते हैं, 20 रन 22 रन अच्छे तेज तरार बना सकते। सिमरन हेडमायर का भी सेम कंडीशन है, फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी उनका भी वो है, एक जो गुजरात के अगेंस्ट रन बनाए थे सिमरन हेडमायर ने, उसके बाद से कुछ अच्छी पारियाँ देखने को मिली नहीं इनके इनके पास से। रविचंद्र अश्विन विकेट बहुत ज़्यादा कल नहीं मिलेंगे, बताए इकोनॉमिकल रहेंगे, रन भी कुछ बना सकते हैं, हो सकता है। ओबेड मोकाए बहुत लंबे टाइम इंजरी से वापस आ रहे, कैसा क्रिकेट खेलते हैं ये देखने वाली बात होगी, कितना कर पाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। लाइन द लेंथ में प्रॉब्लम तो होगी, ये अपनी लाइन लेंथ ढूंढते हुए नजर आएंगे अगर कल के मैच ही खेलते हैं। ट्रेंट बोल्ट को खेलना ही पड़ेगा, अगर राजस्थान को क्वालिफाई करना है तो वो फिट होंगे और वापस आते हैं तो राजस्थान के लिए अच्छी खबर है, अदरवाइज बहुत कुछ भी खबर है। कुलदीप यादव, कुलदीप सेन या मुर्गन अश्विन के जैसा कोई आप इन तीनों में से कोई एक दिख सकता है। युजवेंद्र चहल कल के मैच में इनको भी बहुत सारे विकेट मिलने वाले हैं अगर वो स्पिन ट्रैक पे कोलकाता मैच करवाती है तो। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करें, रमतुल्ला गुरुवार, जेसन राय, रमतुल्ला गुरुवार 20-22-25 रन का एवरेज स्कोर वाला मैच ही खेल सकते हैं, अगर ट्रेंट बोल्ट खेलते हैं तो मुश्किल नज़र आ सकती है, वरना रमतुल्ला गुरुवार 20-22 रन मार देंगे कल मुझे लगता है। जेसन रॉयल का एक क्लौता मैच खेला था राजस्थान के अगेंस्ट, 60 का स्कोर बनाया था, कल के मुकाबले मुझे भी लगता है कि अच्छा कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर लास्ट मुकाबले में थोड़ा सा ही वो इंजर्ड नज़र आए थे, इंजरी से परेशान नज़र आए थे, नहीं खेलेंगे तो कोलकाता के लिए बहुत बुरी खबर हो सकती है, वन डाउन या सेकेंड डाउन पे वो प्रॉब्लम फेस कर सकती है। नितीश राणा लास्ट मुकाबला काफ़ी अच्छा खेला था, एंकर रोल अदा किया था, मैच को ख़त्म करना चाहिए था, बस वहाँ पर वो 50 मारने के बाद मैच्योरिटी नहीं दिखी उनके पास, वो एक ऊट पटांग से शॉट खेल के आउट हुए, बहुत बुरा लगा था। रिंकू सिंह कमाल खेल रहे हैं इस साल, चेज करते टाइम लास्ट ओवर में रिंकू सिंह है तो भाई पॉसिबल है, ऐसा उन्होंने बता दिया। आंद्रे रसेल लास्ट मुकाबले में दिखा कि आंद्रे रसेल गेंद बाहर, ऐसा प्लेयर दिखा, क्या खूब मारा है, मज़ा आ गया। सुनील नारायण बहुत अच्छा बॉलर है, पर जिस टाइप के इनका नाम है नारायण नारायण, वो वाला फॉर्म इनका देखने को नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, प्रॉब्लम है, सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, बट मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते। हर्षित राणा हाँ, ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तेज उनके पास पेस है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, तो बहुत बढ़िया बॉलर है, अदरवाइज डेथ में आप इनसे बॉलिंग मत करवाइए। शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं तो उससे डेथ में बॉलिंग करवाओ भाई, वो अच्छा कर सकता है शार्दुल ठाकुर, टेस्ट मैच में उनको मौका मिला है, यहाँ पर कम से कम प्रैक्टिस तो करवाओ भाई उससे। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण अच्छा नहीं कर रहे पर वरुण चक्रवर्ती क्या कमाल कर रहे हैं भाई, वरुण चक्रवर्ती ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि ये एक ऐसा बंदा है
और जिसका लास्ट ईयर काफ़ी ख़राब गया था, जिसको लोग कह रहे थे भाई ईद का चांद है, एक साल अच्छा किया, अब इसका करियर ख़त्म, ये अब दिखेगा भी नहीं। बहुत अच्छा बॉलिंग कर, एक नया बॉल खोज के लाए हैं, गुगली और लेग ब्रेक जैसा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। खूब शार्दुल ठाकुर, शिवराज शर्मा, ये दो बॉलर जो बचते हैं, शार्दुल ठाकुर बैटिंग बॉलिंग कर सकते हैं, इनसे करवाओ, इनका यूज़ करो शार्दुल ठाकुर का। शिवराज शर्मा वो दो तीन चार ओवर डालेंगे, अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पे मैच हुआ पिच पे ईडन गार्डन के, तो शिवराज शर्मा भी कल बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ये अपने कुछ स्टैट्स थे कल के मुकाबले में। कोलकाता थोड़ा सा फेवरेट नज़र आ सकती है, कोलकाता अच्छा कर सकती है कल के मुकाबले में। कल का मुकाबला काफ़ी अच्छा नेल बाइटिंग मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, और सबको याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।